मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब एक्सरसाइज 1.2 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उसका सलूशन कैसा होगा, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x द्वारा प्रदत्त फलन प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f such that r is tending to r न तो एकाकी और न आच्छादक, जहां x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। देखिए आपके पास दिया गया है, जो फलन है वह दिया गया है f such that r is tending to r और fx का मान दिया गया है पुस्तक में कितना x, और इस x को कहा है कि x का जो मान है वह दो है, एक तो x का मान x है और एक x का मान माइनस x है। दो महत्तम पूर्णांक, एक x बराबर x है और एक दूसरा x से कम या उसके बराबर है। पहला जो यह है वह x से कम है, दूसरा x के बराबर है। तो x के बराबर और दूसरा है x से कम, तो दो मान पर देखेंगे। तो देखिए एकाकी के लिए हम देखते हैं क्या है, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए आप जानते हैं कि x1 व x2 दो अवयव होते हैं, x1 व x2 दो अवयव हैं जो x से संबंध रखेंगे, और उसके बाद आपके पास हो जाएगा जहां fx1 बराबर fx2। अब fx1 बराबर fx2 तो देखिए दो अवयव है, एक x है दूसरा माइनस x, तो fx1 बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक मान लीजिए आपने माना कि एक x है दूसरा माइनस, एक x है दूसरा माइनस x, तो fx माइनस fx ऐसा कर लीजिए। अब अगर हम यहाँ पर देखिए fx बराबर x रखे तो x हो गया, और जब fx है माइनस x है तो माइनस x हो गया, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस x अर्थात x बराबर नहीं है माइनस x के, अतः फलन एकाकी नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आच्छादक, देखते हैं आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखिए होगा क्या, आच्छादक के लिए आपके पास मान क्या है कि यहां से हम देखेंगे तो x संबंध रख रहा है या y संबंध रख रहा है fx से, और आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना fx का मान, आपके पास देखिए दो मान है, एक x है एक माइनस x। हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, जब fx बराबर x तो y बराबर कितना x, और x बराबर कितना आ गया y, पहला तो यह हो गया x बराबर y, तो x बराबर y आ गया। दूसरा जब fx बराबर हो माइनस x तो हो गया y बराबर माइनस x, और हम कह सकते हैं x बराबर माइनस, क्या कह सकते हैं y। अब देखिए इसमें था कि x के लिए y का प्रत्येक मान कुछ न कुछ हो या कोई न कोई अवश्य मान हो, तो यहाँ पर देखिए x का मान तो है लेकिन y के प्रत्येक बदलते हुए मान पर, एक ही मान पर इसका दो मान मिल जा रहा है, अतः यह क्या है आच्छादक नहीं है। y के एक ही मान के लिए एक ही मान पर x के दो मान मिल रहे हैं प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। तो हमें क्या अगर देखना था कि एकाकी है कि नहीं, न तो यह एकाकी है और न ही यह आच्छादक है, तो एकाकी आच्छादक यह दोनों नहीं। उसके बाद आपके पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि fx बराबर mod of x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f such that r tending to r न तो एकाकी है और न ही आच्छादक, x बराबर x और यदि x धन या शून्य है तो x बराबर माइनस x, यदि x ऋण है। तो देखिए यही चीज है,
कि यदि यक्ष से कम है तो ऋण है, यक्ष के बराबर है तो या धन है तो यक्ष है, तो एकदम यही हूबहू क्वेश्चन है। बस यहाँ पर इन्होंने किया क्या है कि आपके पास जो यक्ष का मान जो हम मॉड ऑफ यक्ष कर दिया है, मॉड ऑफ क्या कर दिया, यक्ष कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास हूबहू यही क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन करना क्या है कि क्वेश्चन में यक्ष का जो मान है वो मॉड ऑफ यक्ष है। तो इस क्वेश्चन को आप इसी के मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है क्या, सबसे पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का राज सिद्ध कीजिए कि यदि x आई स्टैंड इन टू आर या x बराबर 1 यदि x बड़ा है 0 से, x बराबर 0 0 यदि x बराबर 0 और -1 यदि x छोटा है 0 से। तो आपके पास कॉलम क्या दिया गया है, f को सच दैट r स्टैंड इन टू r और fx बराबर आपके पास दिया गया है कि 1 होगा यदि x बड़ा है 0 से, 0 होगा यदि x बराबर है 0 के, -1 होगा यदि x छोटा है 0 से। ठीक, तो तीन कंडीशंस दिए गए हैं और इन्हीं पर हमें ज्ञात करना है एकाएकी अच्छा है। तो आइए देखते हैं एकाएकी के लिए, और हमें सिद्ध करना है कि एकाएकी नहीं है ना तो अच्छा है ना तो एकाएकी है ना ही अच्छा है। तो देखिए एकाएकी के लिए हमारे पास क्या है कि दो अवयव है, तो हमने मान लिया कि 1, 0 संबंध रख रहा है किससे, r से। देखिए यहाँ पर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और जहाँ हम यह कह सकते हैं क्या कि f1 बराबर है f0 के, f1 बराबर है f0 के। तो देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि f1 का मान, देखिए जब f(x) है तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 1 बराबर है किसके, 0, और क्योंकि f0 का मान 0 होगा और f1 का मान 1, तो 1 बराबर नहीं है 0 के, अतः फलन एकाएकी नहीं है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, अच्छा है, आप यहां से और लगा सकते थे कंडीशन कि 0 का मान -1, 1 का मान -1, तो तीनों में से मतलब तीनों में से किसी को आगे पीछे करके आप एक एक ही सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है आच्छादक, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखिए आच्छादक के लिए क्या होता है कि आच्छादक के लिए आपके पास होगा क्या कि हमारे पास दो अवयव है, या यहीं से कह सकते हैं कि fx संबंध रख रहा है या f1 ऐसे कह सकते हैं, fx संबंध रख रहा है किससे, y से, और y संबंध रख रहा है किससे, y fx का मान क्या हम ले सकते हैं 1, y संबंध रख रहा है किससे या y बराबर है किससे 1, y बराबर 1। अब यहां से देखिए हमें निकालना था मान आपको x का, और आपके पास मान आ गया किसका, y का, क्या कि जब x बराबर 1 तो y बराबर 1, तो यहां पर होगा क्या कि आपके पास जो मान आएगा कि y के 1 ही x के लिए y के 3 मान प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। कैसे 3 मान प्राप्त होंगे, एक बार 1 आएगा, दोबारा 0 आएगा, तीसरी बार -1 आएगा, अतः फलन होते हैं, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने देखा कि आपकी जो फलन है वह आच्छादक नहीं है और न ही एकाएकी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते क्या है,
क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन क्या है देखिए, मान लीजिए कि ए बराबर एक दो तीन और बी बराबर चार पाँच छः सात, तो एफ बराबर आपके पास एक चार दो पाँच तीन छः, तो ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए एफ एक एकैकी है। तो आइए देखते हैं, ए बराबर एक दो तीन दिया गया है, ए बराबर क्या है एक दो और तीन, और बी बराबर आपके पास दिया गया है चार पाँच छ सात, चार पाँच छ और सात। एफ बराबर जो फलन दिया गया है वह दिया गया है एक चार, फिर दिया गया है दो पाँच दो पाँच, फिर आपके पास दिया गया है तीन और छ। अब ए से बी में हमें फलन को दिखा रहा है कि फलन एक है, ठीक है। अब यहां से देखिए कि प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए अर्थात F1 बराबर 4 है, F2 बराबर 5 है और F3 बराबर 6 है। तो प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, अतः यह एक एकैकी फलन है, एकैकी फलन है। देखिए हमने बताया भी था कि जब कभी भी हम दर्पण अर्थात जब कभी भी हम शीशे में देखें, तो हम अगर देखें तो हमारा चेहरा आए और आप देखें तो आपका चेहरा आए, तो वह फलन एकैकी फलन कहलाता है। तो देखिए आपके पास हो गया यह एकैकी फलन। आइए उसके बाद देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, यही तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी या आच्छादक अथवा एकैकी या आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखिए दिया गया है F such that R is tending to R, और यहाँ पर आपके पास फलन है F x बराबर 3 माइनस 4x, ठीक है 3 माइनस 4x। हमें ज्ञात करना है एकैकी और आच्छादक, एकैकी और आच्छादक। तो एकैकी के लिए देखते हैं, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए, तो आइए देखते हैं एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए देखिए हमारे पास होता क्या है कि दो अवयव होते हैं, हमने मान लिया x1 कामा x2, संबंध रखना है किससे, कैपिटल F से, x1 व x2 संबंध रखना है किससे, कैपिटल X से। तो यहां से हो सकता है कि जहां F x1 बराबर है F x2 के, और आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 4 x1 बराबर है 3 माइनस 4 x2 के, 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस 4 x1 बराबर है माइनस 4 x2 के, माइनस से माइनस कटा और आपके पास हो गया x1 बराबर है x2 के, x1 बराबर है x2 के, अतः फलन एकैकी है, अतः फलन एकैकी है। दूसरी कंडीशन आच्छादक के लिए, देखिए आच्छादक के लिए क्या आता है, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए यदि हम देखें तो आपके पास होता क्या है कि fx संबंध रख रहा है किससे, या fx संबंध रख रहा है r से, fx संबंध रख रहा है किससे r से, तो y संबंध, y भी संबंध रख रहा है किससे r से, और जहां जहां y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x, और यहां से 3 को इधर करेंगे y माइनस 3 बराबर माइनस 4x, और यहां पर आपके पास अगर इसको मान को देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 बटा में 3 माइनस y, 3 माइनस y। तो अगर हम मान को देखें तो आपके पास देखिए होगा क्या,
3 माइनस वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू 3, अर्थात y पर 3 के अलावा y का मान जो हो 3 के अतिरिक्त या अलावा किसी अगर और मान पर रखा जाए तो x का कोई ना कोई मान होगा जो एक वास्तविक संख्या होगी। जो एक देखिए मान लीजिए 1 रखे तो 3 में से गया 2 और 1/2 वास्तविक संख्या, 2 रखे तो 3 में से 2 गया 1 और 1 x का मान 1 तो x एक वास्तविक संख्या है। तो इसके अतिरिक्त अगर कोई भी मान होगा तो वास्तविक संख्या होगा, अतः यह आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन। तो यह सेवंद का आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन था, और उसके बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह इसी के तरीके से होगा, एकदम इसी के तरीके से होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 7-7 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपके आप लोगों में जो सब्सक्राइबर है वह 80% लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया ही नहीं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जो वीडियोस बनाए जाते हैं जो भी आपके पास आपसे संबंधित होंगे तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।